आती है युवा याद रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूँ। मुझे उसकी इस वर्ष लखनऊ की प्राचीर से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इतना ही नहीं, गरीब और मध्यम वर्ग को बीमारी में दवाई की जरूरत पड़े तो उसे उत्तम दवाई मिले, सहजता से मिले और सस्ते दर पर मिले। मोदी सरकार ने ली इसकी भी गारंटी। जन औषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाजार में जो दवाएं मिलती हैं उसी क्वालिटी की, लेकिन जन औषधि केंद्र में 50% से 90% तक उसकी कीमत कम होती। देश भर में कार्यरत करीब 10,000 जन औषधि केंद्रों पर हजारों सस्ती और अच्छी दवाएं व सर्जिकल उपकरण बाजार से बेहद कम दाम पर। जरूरतमंदों की जेब में करीब 23,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आज प्रतिदिन 10 से 12 लाख लोग जन औषधि केंद्रों से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना में देश के युवाओं और महिलाओं को रोजगार के साथ सेवा का भी अवसर उपलब्ध कराया है। जन औषधि केंद्रों के संचालन के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। महिलाओं, दिव्यांगजनों, SC व ST और द्वीप समूह और पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को 2 लाख रुपए की इन केंद्रों की इसी उपयोगिता और सफलता को माननीय प्रधानमंत्री जी आज 10 लोकार्पण कर रहे हैं। ये केंद्र झारखंड राज्य के देवघर में सरकारें खुद को जनता का उसके चलते से उतारते हैं। जब भी हमने रबी खरीफ की फसल आती है उसी टाइम देखिए, आप तो कितने बड़े इंसान है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है, आप तो ट्रैक्टर के मालिक हो गई है। फर्स्ट व्हीकल फर्स्ट इक्विप है जो मुझे मैंने आपकी मेहरबानी से ऑन, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए इस देशवासियों का जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम कर रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से जो संकल्प लिया था उसके तहत आज उनके द्वारा 10,000 जन औषधि केंद्रों से बढ़कर देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्र खोलने के अभियान का शुभारंभ हो रहा है। सभी संतुलनीयता की भावना के साथ आज देश विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर तेज गति से अग्रसर। देश आपको किसानों के लिए चल रही किन किन योजनाओं का लाभ मिला है? सर मुझे अभी तक किसान निधि का लाभ जी सर लीटर घुस गया, अभी सबको हटा करके चर्चा मार रही है ये नेता। अच्छा बताइए करिए जम्मू का और हमें यहाँ पर पूर्ण फायदा हो रहा है। सर मैंने अप्रैल 2023 में KCC लिया, उस KCC का मैंने यूज किया ट्रैक्टर खरीदने के लिए, उस उसके चलते सर उतारते हैं। जब भी हमने रबी खरीफ की फसल आती है उसी टाइम देखिए आप। चलिए आगे कौन है? सर उड़ीसा से रायगढ़ से पूर्णचंद बेनिया जी जुड़े हुए हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री, सभी मुख्यमंत्रीगण, केंद्र और राज्य सरकार वालों के मंत्रीगण, सांसद और आपका नाम? जी मेरा नाम शोकत हुसैन है। जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं तहसील मैंडल सैलानी गांव का रहने वाला हूँ। सर ये जो जन औषधि केंद्र जो दुकान खुली हुई है पुलिस हॉस्पिटल में, इसका आपको कितना फायदा मिला है आज? जी देखिए आज अगर वक्त के लिहाज से देखा जाए तो हम जिस तरह पहले भी यहाँ से दवाई वगैरह खरीदते रहे क्योंकि बीमारी जिंदगी के साथ लगी हुई है, हर जगह हम लेते रहे और गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ी सहूलियत हुई है कि जहाँ हम महीने में 10-15-20 हज़ार रुपया खर्चा करते थे वहाँ हम आज महीने में तकरीबन 1,000-1,200-1,500 की दवाई खरीद रही है। गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये बहुत बड़ी सहूलत मिली है, बहुत अच्छी दवाई भी मिली है और इससे बहुत बड़ा फायदा भी हो रहा है। तो बाहर से जो लेते थे दवाइयां तो उस पे कितना आपका खर्चा था और अब कितना आता है? बाहर से जो दवाई लेते थे तकरीबन
एक बार जो हम दवाई लेते थे 2,000, 2,500, 3,000 के लगभग एक दिन हम जो दवाई खरीदते थे जो कि 10-12 दिन के लिए हम खरीदते थे, आज वही दवा हम यहाँ से खरीद रहे हैं 100 रुपए की, 80 रुपए की, या ज्यादा से ज्यादा हम 150 की दवाई यहाँ से खरीदते हैं, 200 की दवाई खरीदते हैं, जिससे बहुत बड़ा फायदा भी होता है। और मैं आपके चैनल की तरफ से जो है गवर्नमेंट का भी, यहाँ जिला इंतजामिया का भी, सुपरिटेंडेंट साहब का भी, तमाम जो जितना भी इस लेवल में आते हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये बहुत बड़ी सहूलत मिली है। देखिए आज का प्रोग्राम जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के लोगों के साथ इंटरेक्शन थी, जिसमें से हमारी खासकर जो एक हेल्थ के थ्रू हमारी सर्विस दी जा रही है, जिसको जन आरोग्य केंद्र भी कहते हैं, उसके थ्रू जो खासकर लोवेस्ट कास्ट पर लोगों को ड्रग्स दी जा रही है, वो प्रधानमंत्री जी का एक सोच थी कि हमने 25,000 ये केंद्र खोल रहे हैं, उनमें से भी आज 10,000 नंबर पर केंद्र आ रहा है, उसका इनॉग्रेशन था। उस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी ने लोगों से इंटरेक्ट किया और हमने भी यहाँ पर उस प्रोग्राम को लाइव अटेंड किया है। तो इसमें हमारी जो यहाँ जन आरोग्य हो गया जो हमारी दुकान खुली हुई है, जिसको लोग अमूमन मोदी की दुकान भी कहते हैं दवाइयों वाली, तो उसका नंबर जो है हमारा वो 9,777 नंबर पे हमारी जो दुकान है रजिस्टर्ड है। इसी तरह आज 10,000 वाली का ये प्रोग्राम था, तो इस दुकान के थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा रहा है और आज इस प्रोग्राम के थ्रू ये प्रोग्राम मैसेज दिया जा रहा है कि यहाँ पर दवाइयाँ जो हैं बहुत सस्ते दामों पर मिलती हैं, 10% से लेकर 90% तक भी यहाँ पर कुछ चीज़ों में सब्सिडी है और दवाई जो है स्टैंडर्ड की मिलती है। तो हमारी दुकान को भी तकरीबन 1.5 साल यहाँ हो चुका है चलते हुए, तो हमने 80 लाख की दवाई जो है इन लोगों को दी है। अगर यही दवाई जो है बाहर से लोग लेते तो आप इसको 50 से 60% इसको और अगर लगाएंगे तो कहाँ पर जाता है, करोड़ों के हिसाब से लोगों को फायदा हुआ है, जिससे उनकी जो पैसा है बचा है और आपने बाकी चीज़ों में वो लगा सकते हैं। आज फिर हमारा इस प्रोग्राम के थ्रू यही मैसेज है पब्लिक तक कि दवाई जो है बिल्कुल गारंटी वाली दवाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है और लोग ये दवाई जो है खरीद कर अपना जो है पैसा बचाएं, ताकि बाहर जनरल मार्केट में अपना नुकसान ना करें। थैंक यू।